हेलो फ्रेंड्स, ये जो फूल आप नीचे ज़मीन पर गिरे हुए देख रहे हैं दोस्तों, ये पारिजात के फूल हैं। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। ये 6 पेटल में और इनके बीच में जो ऑरेंज इनकी डंडी होती है, इसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। ये काफ़ी ब्राइट कलर होता है ऑरेंज इसमें, और ये अपने पेड़ से जो है नीचे गिर जाते हैं सारे, सुबह के समय पर जाता है। तो और अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम हैं। इनसे बहुत ही अच्छी सुगंध आती है, फूल जो है इनके महकते रहते हैं। तो फ्लावरिंग इस प्लांट में अगस्त के बाद से शुरू हो जाती है और दिसंबर तक इसमें फूल आते ही रहते हैं। कहीं कभी कभी तो ये जनवरी तक भी चले जाते हैं। तो ये फूल जो है शाम के 6-7 बजे के करीब खिलते हैं और अगले सुबह 4-5 बजे के करीब ये गिर जाते हैं नीचे ज़मीन में। तो इन गिरे हुए फूलों को उठाकर इनको पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है। और ये देखिए इसमें काफ़ी फूल आकर गिर चुके हैं, और जो नई नई बड्स आ रही हैं उस पे अब नए नए फूल आ रहे हैं। ये देखिए, कुछ पेड़ पे ही रह जाते हैं तो हल्का सा छूने पर ये नीचे गिर जाते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से इनके फूल जो है इस पेड़ पे पूरे दिन भर नहीं लगे रहते हैं, सिर्फ रात के ही समय रहते हैं, और बाकी सुबह होते होते ये ज़मीन पर बिखर जाते हैं। तो इसमें काफ़ी इसमें फूल आकर गिर चुके हैं। देखिए, कहीं कहीं पे इसकी बड्स है जो अब आने वाले हैं फूल। तो इनकी जो है टिप्स में अलग अलग जगह पर इस तरह के ये फूल आ जाते हैं, और ये बहुत ही सुगंधी बिखेर के रखते हैं। तो इनके फूल जब गिर जाते हैं तो ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं और गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो माँ लक्ष्मी की पूजा में इनका इस्तेमाल किया जाता है। माँ लक्ष्मी को ये फूल बहुत ही पसंद है, और जब भी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो इनके फूलों को इस्तेमाल करना चाहिए। श्री हरि का श्रृंगार करते हैं इनसे, तो इस वजह से इन्हें हर श्रृंगार भी कहा जाता है। तो इनके प्लांट हम सीड और कटिंग दोनों तरह से तैयार कर सकते हैं। सीड इनके फरवरी के महीने में लगाए जा सकते हैं, जब ये प्लांट मेरा जैसे अभी 1 साल का ही हुआ है ये प्लांट, और इसमें 2 बार इसमें फ्लावरिंग आ चुकी है। तो 4 से 5 साल का हो जाता है जब ये प्लांट, तो तभी इसमें सीड बनने शुरू हो जाते हैं। रेनी सीजन में इसको कटिंग से तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है कि ये समुद्र मंथन के समय पर निकला था और इसे जो है स्वर्ग से धरती पर लाया गया था। इसे कल्प वृक्ष भी माना जाता है, और जहाँ इसे लगाया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके फूल जहाँ गिरते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और इसके पेड़ के नीचे जो भी आप मनोकामना करते हो, जो भी इच्छा करते हो, वो अवश्य ही पूरी होती है, और सुख शांति समृद्धि आती है, और कहते हैं कि आयु भी लंबी होती है, यहाँ तक कि वास्तु दोष निवारक भी है। और ज़मीन पर तो दोस्तों ये पेड़ बहुत ही बड़ा हो जाता है, एक वृक्ष बन जाता है जिस पर हजारों फूल खिलते हैं, और चारों तरफ इनकी जो है खुशबू बिखरी हुई रहती है। 1000 से 5000 वर्ष तक की इसकी आयु मानी गई है। 10 से 25 फीट तक ये ऊंचा हो जाता है, और गमले पर हमें जो जब भी हम लगाते हैं तो गमले पर भी इसके 10 से 12 इंच के गमले में इसे लगाएं अगर प्लांट छोटा है। जब ये प्लांट बड़ा होने लग जाता है, या फिर जब हम अगर हम इसमें ढेरों फूल पाना चाहते हैं तो भी, तो इसे कम से कम 22 इंच के 18 से 22 इंच के गमले में हमें इसे लगाना चाहिए, या शिफ्ट कर देना चाहिए छोटे प्लांट को। जब वो बड़ा होने लग जाता है तो उसे बड़े पॉट में, 22 इंच के पॉट में शिफ्ट कर देना चाहिए, जिसमें ये काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा और ढेरों फूल भी देगा। और इसको घर पर जब हम लगाते हैं तो इसे पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, या फिर उत्तर पूर्व दिशा में भी इसे रख सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। और लेकिन दक्षिण दिशा में इसे बिल्कुल भी ना लगाएं अगर इससे आप फल प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ देवीय पूजन के साथ साथ इसके बहुत से मेडिसिनल यूज़ भी हैं। इसके जड़, तना, फूल, पत्ती, छाल सभी दवाइयाँ बनाने में यूज़ किया जाता है। कई प्रकार की इनसे बीमारियाँ दूर की जाती हैं। पारिजात एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटी एलर्जिक से भरपूर होता है, जिस वजह से ये कई प्रकार के रोगों
को दूर करने की क्षमता रखता है, बहुत ही असरदार होता है। उंगलियों पर इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतनी तरह की बीमारियों को ये दूर करने की क्षमता रखता है। इनके फूलों से खुशबूदार तेल और परफ्यूम वगैरह भी बनाए जाते हैं। कॉस्मेटिक्स में इनका बहुत यूज़ होता है। इनके बीजों का लेप सिर पर लगाने से रूसी दूर होती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए इसकी केयर के बारे में बात करती हूँ। इसकी मिट्टी तैयार करते समय गार्डन सॉइल के साथ वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट मिलाना चाहिए और रिवर सैंड भी मिलानी चाहिए। साथ में एक मुट्ठी नीम की खली भी ज़रूर मिलाएं। इसे कीटों से बचाने के लिए, पोषण के लिए नीम की खली बहुत ही बेस्ट होती है। और मिट्टी को वेलड्रन बनाएं ताकि इसमें जब भी हम वाटरिंग करें तो इसमें पानी ठहरे नहीं, वरना प्लांट ख़राब हो सकता है। वैसे तो इस प्लांट को 6-7 घंटे की धूप में रखा जाता है, लेकिन कभी कभी पानी देना भूल जाएं तो तुरंत इनकी पत्ती पीली होने लगती है। गर्मी में इसे सुबह शाम पानी देना चाहिए और सर्दी में दिन में एक बार इसके लिए पानी काफ़ी है। बस मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए, ज़्यादा सॉइल सॉगी ना बनने पाए। इसे आप सेमी शेड में भी रख सकते हैं। इसे इंडोर नहीं रखा जाता है क्योंकि इसके लिए धूप बहुत ज़रूरी है, तो आप लेकिन इसे सेमी शेड में भी रख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जब सीधी धूप पड़ती है लगातार तो इनकी कुछ पत्तियाँ येलो होकर गिरने लग जाती हैं। तो मैंने भी इसकी कुछ पत्तियाँ निकाल दी हैं, ये देखिए इसमें नीचे नीचे डंडियाँ हैं तो ऊपर ऊपर इसकी नई पत्तियाँ आई हैं। और खाद साल में इसे 2 बार दे सकते हैं। इसे जब इसमें फ्लावरिंग आ रही है उस समय भी आप इसमें कंपोस्ट वगैरह दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। DAP देने के लिए इसके पॉट में किनारे किनारे 1 चम्मच DAP के दाने दे सकते हैं, उसके तुरंत बाद पानी डाल दें। कभी कभार इसमें कैटरपिलर लग जाते हैं तो उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे इसमें कर सकते हैं। और इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए दोस्तों इसकी ट्रिमिंग भी करते रहनी चाहिए। तो मैंने तो इसकी ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं की है, तो अब मैं नेक्स्ट इसका जो है ट्रिमिंग ज़रूर करूँगी। ये देखिए इसके फूल मैंने कलेक्ट कर लिए हैं और ये बहुत ही खुशबू से भरे हुए हैं। इसमें इतनी अच्छी सुगंध आती है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस पानी में भी खुशबू आ रही है इन फूलों की। तो आप इन फ्रेश फूलों को पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपराजिता के फूल बहुत ही शुभ माने जाते हैं, बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है, तो इस तरह का पौधा आप अपने घर पर ज़रूर लगाएं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।